सिक्का बदल गया। कहानी है, अच्छा मुझे बताइए सिक्का बदल गया इसकी विधा क्या है? ये कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, क्या है ये? कहानी है, तो कॉमन सेंस की बात है, हमारी किताब का नाम ही क्या है, तो इसमें फिर और चीज कैसे आ जाएगी? वैसे भी याद ना हो तो हम लोग कॉमन सेंस से भी बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो सिक्का बदल गया क्या है, एक कहानी है, और इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। हम उनका लेखक परिचय पढ़ चुके हैं कि वो नई कहानी की बड़ी कहना चाहिए क्षमतावान, सामर्थ्यवान कवित्री है। आज हम उनकी कहानी पढ़ रहे हैं, सिक्का बदल गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिक्का यहाँ एक प्रतीक के रूप में काम लिया जा रहा है। सिक्का बदल गया अर्थात अधिकार, पावर, राज्य, है ना। कई बार हम इस मुहावरे को काम में लेते हैं, यार आजकल तो उसका सिक्का बहुत चल रहा है, जब से वो यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना है अब तो उसी का सिक्का चल रहा है। अब आपको समझ में आ गया, सिक्काकार उसी का सिक्का चल रहा है, अर्थात उसकी पावर चल रही है, उसको अधिकार मिल रहे हैं, उसका बहुत रौब चल रहा है, चारों तरफ उसका वर्चस्व, उसका अधिकार स्वीकार किया जा रहा है। सिक्के का मतलब ये होता है। और एक सिक्का अपन समझते हैं करेंसी, हर देश की अपनी करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपया बोलते हैं हमारी करेंसी को, ठीक है, ऐसे हर देश की अपनी करेंसी होती है। तो हम बदल पढ़ रहे हैं कहानी, सिक्का बदल गया। आप लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि मैडम ये कहानी समझ में नहीं आ रही है, तो आप तो हमको एक एक शब्द एक एक लाइन पढ़ के इसको समझा दीजिए। तो ध्यान दीजिए, खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट चुकी थी। पौ फट चुकी थी मतलब सुबह हो चुकी थी। पौ फटना मतलब सुबह हो जाना। आप देखोगे सुबह के समय आकाश में काले, नीले, थोड़े से पीले, थोड़े सिंदूरी बादल होते हैं ना, और उन बादलों को हटाते हुए जैसे चीरते हुए सूरज निकलता है, तो उस वाले दृश्य को क्या कहते हैं? पौ फटना। यानी कि सुबह का समय है, क्या मतलब निकला इसका? सुबह का मतलब सुबह होने होने वाली है, और ये कहां पहुंची है? दरिया मतलब नदी। बेटा पहले आप सुन लीजिए, मैं आपको दो बार तीन बार दोबारा पढ़ा दूंगी, आप लिखने लगेंगे तो फिर आप जो मैं समझा रही हूं वो समझ नहीं पाओगे। तो वो कह रहे हैं खद्दर की चादर ओढ़े हुए है, हाथ में माला लिए हुए है, शानी उस औरत का नाम है जिसकी ये कहानी है, जिसके चारों तरफ ये कहानी घूम रही है। दरिया मतलब नदी, वो नदी के किनारे पहुंची है, और जब कैसा समय था? पौ फट रही थी मतलब सुबह हो गई थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। देखिए आपको कहानी इसलिए समझ में नहीं आ रही कि कहानी की जो लैंग्वेज है वो काफी लाक्षणिक और काफी काव्यात्मक लैंग्वेज है। वो कह रहे हैं आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी, जो सुबह का वक्त होता है, करीबन आप 4-5 बजे का वक्त देखिए, उस समय जो आसमान है, आसमान का रंग वैसे नीला होता है, अंधेरे में वो काला लगता है, पर उस समय सुबह हल्की हल्की लालिमा चारों तरफ फैली हुई थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली, अर्थात नदी में घुस गई। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। सबसे पहले उसने क्या किया? और आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में ये स्नान करने का और पूजा तर्पण करने का एक तरीका होता है कि पहले हम जिस जल में नहाने जा रहे होते हैं उसी अंजलि, मतलब ये जो चीजें इसको अंजलि कहते हैं, उसने अंजलि में पानी भरा और पानी भर के उसने क्या किया? सूर्य को नमस्कार किया और अपने उनिंदी मतलब जिनमें अभी आंखें में नींद भरी हुई थी। उनिंदी का मतलब क्या है? वे आंखें जिनमें अभी नींद भरी हुई है, उसने उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। पानी से लिपट गई मतलब पानी में डूब गई नहाने के लिए। चनाब का पानी, चनाब एक नदी का नाम है, आपने सुना होगा पंजाब, 5 नदियों वाली भूमि, उसको पंजाब कहते हैं, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा सतलज, चनाब, रावी, ब्यास, सुना नहीं सुना? तो ये चनाब नदी है, वहां चनाब नदी बहती है। पहले आज भी पहले सा सर्द था, सर्द मतलब ठंडा था, लहरों लहरों को चूम रही थी, यानी कि नदी बह रही थी। और जब नदी बहती है तो क्या होती है? एक लहर आती है फिर उसके ऊपर दूसरी लहर आ जाती है, तो लेखिका को ऐसा लग रहा है जैसे एक लहर दूसरे लहर को चूम रही थी, क्योंकि एक लहर दूसरी लहर के ऊपर आकर गिर रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, और सामने कश्मीर की पहाड़ियां दिख रही थी, और आपको मालूम है कि पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है और वो बर्फ ही पिघल पिघल कर नदियों में पानी के रूप में आती है। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगार गिर रहे थे, यानी कि जब नदी बहती हुई आ रही थी तो उसमें क्या हो रहा था? बीच बीच में भंवरे उठ रही थी। भंवरे क्या होती है? देखो लहरें तो होती हैं लंबी और
समतल टाइप की। और जब भंवर होती है वो क्या होता है, जब पानी गोल गोल घूमता है उसको क्या कहते हैं अपन, भंवर कहते हैं। तो जब पानी बह के आ रहा है और बह कर आ रहा है पानी, तो बीच बीच में पत्थर वत्थर भी आ रहे हैं, तो उनसे पानी टकरा टकरा के उछल रहा है और पानी में क्या हो रहा है, भंवरें भंवर बन जा रही हैं, और कगार मतलब किनारे पर बहता बहता पानी आ रहा है। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश थी। अब नदी के किनारे दोनों तरफ क्या बिछी हुई है, रेत बिछी हुई है, और कवित्री को लग रहा है कि सॉरी कवित्री नहीं कहानी का कृष्णा सोपती लिख रही हैं कि जब ये जो शहानी है वो पानी में नहाने के लिए आई है, तो उसको लग रहा है कि जैसे आज जो रेत है वो बहुत है खामोश है। देखो इसको कहते हैं प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्र, क्योंकि शाहनी के मन में भी कुछ निराशा सी छाई हुई है, इसलिए उसको मिट्टी भी क्या लग रही है, जैसे कोई चुप है, बोल नहीं है रही है। शाहनी ने कपड़े इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी गई, उसने देखा आसपास कोई भी नहीं था नहाने के लिए, उसने अपने कपड़े उतारे, उसने देखा कोई था नहीं, लेकिन उसने क्या देखा कि मिट्टी पर बहुत सारे पैरों के निशान बन रहे थे। वो सहम गई, क्यों सहम गई, क्योंकि उसे लगा कि रात को यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हैं। अब रात को जो लोग इकट्ठे होकर यदि कुछ कर रहे हैं तो कुछ गलत ही कर रहे होंगे, उसके मन में कोई आशंका उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। प्रभात मानी सुबह, नीरवता मतलब शांति, रोज तो इस शांति में उसको बड़ा अच्छा लगता था, रोज आती थी वो नहाने के लिए, पर बहुत अच्छा लगता था, मधुरता लगती थी, लेकिन आज मधुरता नहीं लग रहा था, आज इस खामोशी में कुछ भयानक था, कुछ डर सा लग रहा था। तो पिछले 50 वर्षों से यह नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा मतलब अवधि। शाहनी सोचती है एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज मतलब शाहनी को वो दिन याद आ गया कि जब वो यहाँ पर दुल्हन बनकर आई थी, मतलब 50 साल पहले वो यहाँ दुल्हन बनकर आई थी, और आज के समय में कितना परिवर्तन आ गया, आगे की कहानी में देखेंगे आज क्या परिवर्तन आ गया है। आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। क्या परिवर्तन आया, कभी वो शादी होकर आई थी, उसके पति थे, बच्चे थे, सब थे, लेकिन आज वो अकेली है, विधवा के रूप में हवेली में अकेली रह रही है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे, उसको लगा ये क्या नेगेटिव बात मेरे दिमाग में आ गई, उसने ये नेगेटिव बात अपने दिमाग से निकाली। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका, उसने अपने आप को डांटा थोड़ा, अरे अब तो बूढ़ी हो गई हो, दुनियादारी छोड़ो, थोड़ा सा अध्यात्म मन लगाओ। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्रीराम श्रीराम करती बाजरे के खेतों से होती घर की रहा ली। फिर उसने क्या किया, बाजरे के खेत थे चारों तरफ, और उसने कहा क्या मैं दुनियादारी की बात सोचने लगी, फिर उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और अपने घर की तरफ चल दी। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था, टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी, फिर भी कुछ बना बंदा सा लग रहा है। गांव का दृश्य इसमें साबित किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से घर थे, लिपे पोते थे, बैलों की आवाज, बैलों के गले में जो घंटी बज रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो लग रहे थे कुछ भी मतलब गांव में जो रोज माहौल होता था ना मस्ती वाला, वो वाला माहौल नहीं दिखाई दे रहा था। शाहनी ने नज़र उठाई, वह मीलों फैले खेत अपने ही हैं, भरी भरावी नई फसल को देखकर शाहनी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब शाहनी की बरकतें हैं, मतलब उसने चारों तरफ खेतों पर नजर डाली, उसे लगा ये सारे खेत मेरे हैं, थे शानी के थे, शानी तो यहाँ की जमींदार नहीं है, तो ये शानी के खेत थे। उनको काफी मोह हो गया कि देखो कितनी अच्छी फसल मेरे खेतों में उग रही है, और उसने कहा कि ये जो लहलाते हुए खेत हैं और जो फसल उग रही है ये सब शानी की बरकतें हैं, अर्थात ये शानी के जीवन में ये उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, ये शानी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उसका फल उसको मिल रहा है। दूर दूर तक गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं, साल में तीन फसल, जमीन तो सोना उगलती है, सोना उगलती है मतलब खूब अच्छी फसल होती है। तो वो अपनी संपत्ति का के बारे में बता रही है, तो दूर दूर तक फैली हुई उसके पास जमीनें हैं, और उसकी जमीन ऐसी नहीं है, हर जमीन में कुआं है, यानी कि उसकी जो जमीन है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था भी पूरी है, और एक साल में तीन फसल होती हैं, उसकी जमीन सोना उगलती है, अर्थात उसकी जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी और आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना, समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत आई आपको, समझ में आ गए। आगे शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा, अपनी माँ जैना के मरने के बाद शाहनी के पास ही तो पलकर बड़ा हुआ, उसने पास पड़ा गंडासा शटोले के ढेर के नीचे
सरका दिया। अब जैसे ही शाहनी ने आवाज लगाई, बीच में शेरे का घर पड़ा है तो उसने किसको आवाज लगाई, शेरे को आवाज लगाई, और हसैना शेरे की पत्नी है तो उसने शेरे को भी आवाज लगाई और उसने उसकी पत्नी को भी आवाज लगाई। शेरे ने शाहनी का आवाज पहचान ली कि ये तो शाहनी की आवाज है, तो उसने क्या किया, और कैसे नहीं पहचानेगा, बचपन से तो वो शाहनी के पास रहा है। इसमें बताया गया कि जब शेरे की माँ का नाम था जैना, और जैना जब मर गई थी तो उसको पाला पोसा किसने, शाहनी ने पाला पोसा। उसका पूरा बचपन, उसकी युवा अवस्था शाहनी के पास ही गुजरी है, इसलिए जो शेरा है वो शाहनी की आवाज़ को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। और जैसे उसको लगी शाहनी की आवाज़ आ रही है तो उसके पास एक गंडासा, गंडासा समझते हो, जो चारा काटने का जो गंडासा होता है, काफ़ी पहना होता है, लोग गर्दन काटने के भी काम में ले लेते हैं उसको, तो वो जो गंडासा पड़ा था उसने गंडासे को छिपा दिया, जो चारा पड़ा हुआ था उसके ढेर के नीचे छिपा दिया। अब यहाँ हमारा दिल खटकता है, क्यों छिपाया भाई, हाँ कुछ मन में अभी तो यही आ रहा है कि छुपा रहा है, मतलब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना, वो भी अपनी पत्नी को आवाज दे रहा है, शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई, मतलब शाहनी की आवाज सुन के शेरा हिल गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है यार, गंडासा छिपा दिया, शानी की आवाज़ सुन के हिल गया, मतलब एकदम डर गया, हिल जाने का मतलब क्या, डर गया। अभी तो मैं सोच रहा था कि वो शानी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियों को उठाकर, कि तभी डॉट डॉट आ गया। इसका मतलब क्या है, अभी अभी थोड़ी देर पहले वो शानी के बारे में सोच रहा था, और क्या सोच रहा था, कि शानी की हवेली में जो संदूकचियाँ पड़ी हुई हैं जिनमें सोना चांदी भरा हुआ है, उस सोना चांदी से भरी हुई संदूकचियों को उठा लूंगा, और डॉट डॉट है इसका मतलब शाहनी को मार दूंगा, कि तभी शेरे शेरे और की आवाज आई, एकदम उसकी सोच, तभी तो गंडासा पास में पड़ा था, उसने गंडासे को भी छुपा दिया। कहते हैं सबसे बड़ा इंसान अपने मन की बात को सुनता है, उसने अपने मन की बात सुनी, किसी को मालूम नहीं है, पर शेरे को मालूम है कि मैं कितना गलत सोच रहा था, इसलिए वो शाहनी की आवाज सुनकर क्या हो गया, डर भी गया और उसने गंडासा छुपा दिया। शेरा गुस्से से भर गया, किस पर निकाले अपना गुस्सा, अपना क्रोध, शेरे को बहुत गुस्सा आया, अब वो कह रहा है कि मैं अपना गुस्सा किस पे निकालूं, क्या शाहनी पर निकालूं, शाहनी पर, यहां आपके यहां कुछ लग नहीं रहा है, लगाइए यहां पर विश्वावधि उच्चक, वो जरूरी है, वरना हम इसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा जैसे वो शाहनी पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, नहीं, यहां बात खत्म हो गई है, यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले, शाहनी पर निकाले, शाहनी पर तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि शाहनी ने तो उसको माँ की तरह पाला है। चीख कर बोला, ए मर गई है, तब्बू तेरे मौत दे, रब्बू तने मौत दे, मतलब अपनी बीवी पर गुस्सा उतार रहा है, शाहनी पर गुस्सा नहीं उतार रहा, तो अपनी बीवी से कह रहा है कि सुन नहीं रही है क्या, है ना, समझ गए ना, रब तेनु मौत दे, गुस्से में होते हैं तो फिर ऐसे बोलते हैं। हसैना आटे वाली कनाली एक और रखकर जल्दी जल्दी बाहर आई, ये आई यहाँ क्यों छाबे ने तड़पना है, मतलब एक पंजाबी, वहां पर कैसी बोली बोली जाती है, पंजाबी बोली बोली जाती है। और कृष्णा सोपती ने अपनी कहानी में जो इस पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया, पात्र जैसे हैं, जहाँ के हैं, जिस अंचल के हैं, उसी अंचल की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। हसैना भी आई, भाई सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है, क्यों तड़प रहा है, क्यों चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है ना शेरा। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी, मतलब उसने शेरे की ये गुस्सा सुन ली थी, प्यार से बोली, हसैना ये वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। अब क्या देखा उसने कि वो भी जोर से चीख रहा है शेरे भी, और हसैना भी बड़े तेज में आके बोली सुबह सुबह क्यों है, तो वो बड़े प्यार से हसैना को पीठ पे कह रही कि तू ये कोई वक्त लड़ने का है क्या, सुबह का वक्त है, माहौल भी खराब है, मान लो शेरा तेजी कर रहा है, तेरा पति है, तू पत्नी है, दो बात सुन ले, क्यों तू जबर, मतलब जैसा वो गुस्से में जब बोल रहा है ऐसे तू भी गुस्से में जवाब दे रही है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर, मतलब वो तो थोड़ा सा पागल है, गुस्सा आ जाता है उसको जल्दी से, तू थोड़ी तसल्ली रखा कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा, मतलब उसको भी लगा कि ये शेरा तो हमेशा डांटता रहता, कब तक इसकी डांट सुनूं, उसने भी मान भरे स्वर में कहा, शाहनी लड़का आखिर लड़का ही है, कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने। शाहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, रसकर बोली, पगली मुझे तो लड़की से बहु अधिक प्यारी है। अब देखो हसैना भी शिकायत कर रही है शाहनी से, अच्छा शेरा तो आपका लड़का है इसलिए उसका तो पक्ष ले रही हो, ठीक है उसका गुस्सा आता है तो हिम्मत रख लिया कर, तू तरी तसली रख लिया कर, अपने बेटे का पक्ष ले रही हो, इस तरीके से वो शिकायत कर रही है शाहनी से लाड़ भरे शब्दों में। शाहनी भी
हसना को प्यार से कह रही है पगली, लड़के से बहू अधिक प्यारी है, तो ये क्यों सोचती है कि शेरा मुझे ज़्यादा प्यारा है, मुझे तो तू भी बहुत प्यारी है। अब यहाँ तक आप ये स्पष्ट आपके दिमाग में हो चुका है कि शेरे को वो अपने बेटा जैसा ही मानती है, बेटा है नहीं पर बेटे जैसा ही मानती है। हो शानी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ, शानी ने गंभीर स्वर में कहा। उसने पूछा क्योंकि वो देख चुकी है नदी के किनारे भी, वो देख चुकी है बहुत सारे मिट्टी में कदम बन रहे हैं, तो उसने कहा ऐसा लगता है कि रात को कुल्लू वाल के लोग यहाँ आए थे। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा। अब यहाँ पे शेरा क्यों घबरा रहा है, क्योंकि कोई तो बात ऐसी है जो शेरा अभी शाहानी से छुपा रहा है, और ये तो हम देख ही चुके हैं कि शाहानी के प्रति उसके मन में कोई नकारात्मक विचार तो आ ही गया है, सोने चांदी की संदूकचियों वाली बात हम पढ़ चुके हैं। तो शेरे ने नहीं शाहानी, झूठ बोला उसने, जबकि आए हैं लोग पर उसने झूठ बोला। नहीं शाहानी, शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शाहानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं, शेरे आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। अब हमें यह संकेत मिल गया है कि गांव में कुछ अनहोना हो रहा है, इसी बात की चिंता करते हुए शाहानी कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है, मतलब आपस में लोगों में जो बातचीत हो रही है, जो छिपम छिपाई हो रही है, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। शाहजी होते तो शायद बीच बचाव कर देते, मतलब ऐसा है कि शायद दो गुट हैं, दो गुटों में कोई आपस में लड़ाई हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि शाहजी होते तो आपस में बीच बचाव कर देते। शाहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है, शाहानी को लगा जैसे जी भर आ रहा है, मतलब उसका जो दुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसना की ओर देखा, हल्के से हंस पड़ी और शेरा सोच रहा है, शेरा सोच रहा है, शाहानी भी पिछली बातें याद कर रही है, शाहजी को थोड़ा याद कर रही है कि शाहजी होते तो स्थिति सही हो जाती। फिर शेरा क्या सोच रहा है, क्या कह रही है शाहानी आज, आज शाहानी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह होके रहेगा क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंधों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गंडासे की याद हो आई। समझे यहाँ पर, नहीं समझे? यहाँ पर शेरा ये समझ रहा है कि हाँ जो हो रहा है, शाहानी कह रही है कि गांव में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, क्योंकि जो सोने चांदी की संदूचियाँ भरी हुई हैं वो शाहजी ने कैसे जोड़ी है, हम लोगों से सूद लिया करते थे, हम लोगों से ब्याज लिया करते थे, और आज जो हमारे पुरखों से लिया है उन्होंने ये ब्याज, और आज हम लोगों से हम वसूल कर लेंगे, हम छीन लेंगे वो सारी धन संपत्ति, इस तरीके से वो अपने मन ही मन में सोच रहा है। पर वह ऐसा नीच नहीं, नहीं आगे देखो एक लाइन छोड़ गए अपन। शाहजी ने सोने की बोरियां तोला करते थे, प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंख में उतर आई, गंडासे की याद हो आई, मतलब मैं इस गंडासे से शाहानी को मारकर वो सोने चांदी की संदूकियां लूट लूंगा। पर शाहानी की ओर देखा, नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, सुन लीजिए आप, शेरे ने कितने कत्ल कर दिए, 30-40 पिछले कुछ दिनों में। आपके दिमाग में यह एक बात आ रही होगी, शाहानी ने शेरे को ऐसा कैसे पाला कि वो, इसका मतलब क्या है कि शाहानी कैसे ऐसे जो मर्डरर हैं उनसे संबंध रखती है? नहीं, शेरा पहले गंदा आदमी नहीं था, अभी कोई ऐसी घटना घट गई है उस गांव में, उस शहर में, इस देश में, कि शेरा क्या कर रहा है, बहुत सारे कत्ल कर रहा है। केवल शाहानी का कत्ल उसके लिए पहला कत्ल नहीं है, वो तो इसके पहले भी 30-40 कत्ल कर चुका है, तो वो 30-40 कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठी शाहानी नहीं, शाहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। फिर सर्दियों की रातें हैं, कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है कि शाहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए, शेरे शेरे उठ पीले, शेरे ने शाहानी की झुर्रियों पड़े मुँह की ओर देखा तो शाहानी धीरे धीरे मुस्करा रही थी। बात समझ में आ गया, कहा तो वो गंडासा याद आ रहा था शाहानी को देखते ही, यानी कि शाहानी को मारने की किसी ने उससे कहा है, फिर उसको कहा कि नहीं शाहानी को तो मैं नहीं मार सकता, उसे याद आ गए, शाहानी को देखते ही याद आ गया, शाहानी के हाथ याद आ गए, शाहानी ने मुझे कैसे पाला पोसा है, शाहजी डांट दिया करते थे, मैं भूखा सो जाया करता था, लेकिन जब सब सो जाते थे तब शाहानी मेरे लिए दूध लेके आती थी और मुझे दूध पिलाती थी, मैं ऐसे को कैसे मार दूँ। उसका मन विचलित हो जाता है,
आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा, क्या बिगाड़ा है, क्यों हम उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, शाहजी ने हमारे साथ कुछ गलत किया था, अब शाहजी तो खत्म हो गए, लेकिन शाहनी ने हमारे साथ कभी कुछ गलत, वह शाहनी को जरूर बचाएगा, अब उसका मन हो गया मैं बचाऊंगा। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी कि शायद वो जो गंडासा छुपाया है या जो बात आ रही है वो शायद शाहनी को मारने की बात आ रही है। और शायद ये जो कुल्लू वाले जो लोग आए हैं, वो कुल्लू वाले जो लोग हैं वो शेरा पे प्रेशर डाल रहे हैं कि शाहनी को मार दो, है ना। तो वो कह रहा है कि लेकिन कल रात वाला मशवरा मैं कैसे मान जाए। आगे कल रात वाला मशवरा, यानी कि कल रात को वास्तव में कुछ लोग आए थे कुल्लू वाल से, जो शाहनी पूछ रही है कि कल कुल्लू वाल के लोग आए थे, तो शेरा झूठ बोल गया। अब हमारे सामने बात खुल गई कि कुल्लू वाल से कुछ लोग आए थे और उन्होंने शाहनी को मारने की सलाह दी थी, किसको, शेरे को। फिरोज कौन व्यक्ति था वो, फिरोज नाम से मालूम पड़ रहा है, शेरे के नाम से मालूम पड़ रहा है, फिरोज के नाम से मालूम पड़ रहा है कि वो दोनों मुसलमान हैं, और शाह और शाहनी के नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये हिंदू हैं। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा, तू तो जाता है ना, और शाहनी तेरे पे बहुत विश्वास करती है, शक भी नहीं करेगी, तो उसको मार देना, मार के सारा धन लूट लाना, अपन सारा धन आपस में बांट लेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, तू तो 30-40 कत्ल पहले ही कर चुका है, एक और कर देना, ठीक है। अब ये घटना कब की है पढ़ते हैं आगे। शाहनी चलो तो मैं घर तक छोड़ा हूं। अब शेरे को डर लगा, देखो शेरे का विचार बदल गया, रात को तो लोगों ने कह दिया था मार देना, और शेरे को लग भी रहा था कि नदी से जैसे नहा के आ रही होगी मैं उसको मार दूंगा, उसने गंडा सा तैयार कर रखा था, लेकिन जैसे उसको शाहनी की चेहरा उसके साकों के सामने आता है, उसका प्यार देखता है वो, तो उसको पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं और उसका विचार बदल जाता है कि मैं शाहनी को बचाऊंगा। और देखो यहाँ केवल अपने ही मारने की बात नहीं, वो ये कह रहा है मैं किसी और को भी मारने नहीं दूंगा, इसलिए वो शाहनी के साथ जा रहा है कि वो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुल्लू वाले लोग आए थे, जो फिरोज और उसके साथी आए थे, कहीं वो शाहनी को रास्ते में मार दे। तो वो कह रहे शाहनी चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। शाहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई, शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है, शंकित सा इधर उधर देखता हुआ कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा कि मैं तो शाहनी की सुरक्षा कर रहा हूँ, जबकि रात को तो मैं वायदा कर चुका हूँ कि मैं शाहनी को मार दूंगा। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा शाहनी को मारकर, उसके साथियों की आवाज़ आ रही है कि मार देंगे उसको, लेकिन शाहनी को मारकर क्या होगा। शाहनी हाँ शेरे, वो बोला, शाहनी से बात कर रहा है, तो शाहनी कह रही है शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे, वो केवल शाहनी शाहनी कह के ही रुक जाता है। पर शेरे का मन करता है कि मैं शाहनी को थोड़ा आगाह कर दूँ, थोड़ा चेता दूँ कि शाहनी कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं जो तुमको मार देंगे, उन्होंने मुझसे भी कहा, लेकिन तुम थोड़ा सावधान रहना, कहीं वो लोग तुमको मार ना दे। शाहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया, शेर जानता है ये आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई, शाहनी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। अब देखो इस कहानी की ये वाले शब्दों को पढ़ो, जबलपुर में आग लगनी थी, लग गई, शाहनी की कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। ये आग लगना क्या है, पूरा भारत जल रहा है बेटा, और आज का जो पाकिस्तान है वो भी भारत का ही अंग हुआ करता था, सब जगह आग लगी हुई है, किसकी, विभाजन की आग लगी हुई है, हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, भगा रहे हैं कि ये मुसलमानों का, पाकिस्तान किसका एरिया हो गया, मुसलमानों का एरिया हो गया, यहाँ से हिंदुओं को मार मार के भगा रहे हैं। शाहनी वहीं रहती है, इसलिए वो वहाँ का शाहनी को मार के भगाना चाहते हैं और उसका धन लूट लेना चाहते हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा भारत विभाजन की बातें बताई थी, वो कहती है कि शाहनी के और भी रिश्ते नाते थे, वो सब भी इस दंगे में मारे गए। हवेली आ गई, शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा, हवेली आ गई, शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा, शून्य मतलब उसका मन बहुत दुखी है, खाली है उसका मन, क्योंकि इसके सारे नाते रिश्तेदार मर चुके हैं। शेरा कब लौट गया उसे पता ही नहीं चला, अब शेरा उसको घर तक छोड़ गया हवेली तक, अब शेरा वापस चला गया। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वह पड़ी रही। शाहनी दोपहर आई चली गई, हवेली खुली पड़ी है, आज शाहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं से ही छूट रहा है, शाहजी घर की मालकिन, लेकिन नहीं आज मुँह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो, पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठे, अब सुबह नहा धो के शाहनी घर आ गई है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी काम करने का उसका मन नहीं कर रहा है, वो पड़ी हुई है पूरे दिन
ऐसे ही पड़ी रही, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो देख रही है कि उसके गांव का माहौल अच्छा नहीं है, वो वहां भी हिंदू मुसलमान आपस में बट गए हैं, एक दूसरे का के दुश्मन बन गए हैं। और जबलपुर की घटना उसको सूचना मिली चुकी है, जहाँ उसके सारे जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी मारे जा चुके हैं। देख रहा है आसमान धुएं से भर गया है, आसमान धुएं से भर गया मतलब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। तो शान ही बहुत दुखी है, और जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। शान ही काम नहीं लगा, अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। एक लेडी है, आई है रसूली, अभी देखेंगे रसूली कौन है। शाहनी शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। अब रसूली कह रही है शाहनी उठ जाओ, ट्रक आ रही है तुम्हें लेने के लिए। हुआ क्या था कि सरकार ने भी काफ़ी इंतजाम किए थे कि भाई पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उन हिंदुओं को ट्रकों में भरो और उनको भारत में पहुंचा दो। ऐसे भारत सरकार ने भी बहुत सारे इंतजाम किए थे। तो वो कह रही है ट्रक आ रहे हैं, उठो जाओ नहीं तो यहाँ के लोग मार देंगे। मतलब जबरदस्ती अपने अपने घर खाली करवाए वहाँ के ट्रकें। शाहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी, हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। वो कहते हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको अपना घर छोड़ के, हमारा देश ही बदल गया, अब हमें दूसरे देश में जाना पड़ेगा, हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ की मालकिन थी और हिंदू मुसलमानों में इतना बैर मैंने कभी सुना नहीं, सब बड़े प्रेम से रहते थे, एक ही थाली में रोटी खाते थे, फिर ये क्या हो गया, गजब हो गया। शाहनी मूर्तिवत खड़ी रही। नवाब बीबी ने इसने भरी उदासी से कहा, शाहनी हमने कभी ना सोचा था। वो कह रही है हमने भी कभी ना, अब वो वहीं रहेंगे, रसूली भी क्या है मुसलमान है, शेरे भी क्या है मुसलमान है, वो वहीं रहेंगे, शाहनी हिंदू है उसको वहां से हटा रहे। रसूली कह रही हमने भी कभी ऐसा ना सोचा था कि एक देश के दो टुकड़े हो जाएंगे और हम इस तरह बट जाएंगे। शाहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा, मशीन की तरह नीचे उतरी पर ड्योड़ी ना लांग सकी। ड्योड़ी का मतलब होता है दरवाजा, उतर तो आई पर दरवाजा लांग कर बाहर आना उसको बड़ा मुश्किल लग रहा था। उसको लग रहा था ये तो पूरा घर मेरा ही था, मैं तो इस घर की मालकिन थी। किसी गहरी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां बाहर? उसको किसी की आवाज मतलब थोड़ा सा आहट हुई है, वो भी कौन है? कौन नहीं, आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था, कभी उसकी आसामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तेदारों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही नहीं समझ गई थी जब वह नदी पर नहाने गई थी, वो तभी समझ गई थी कुल्लूवाल के लोग आए हैं और धमकी दे के गए हैं कि शाहनी को गाँव से निकाल देना, उसका माल लूट लेना, मैं तो समझ गई थी। लेकिन अब ये सब कुछ देखकर बिल्कुल सारी चीज सामने आ गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है और वो को लग रहा है ये सारे लोग वही हैं जिनका मैंने खुद ने पालन पोषण किया, जिनकी हर तरीके से मैंने सहायता की, ये सब मेरे आसामी हैं, एक तरीके से ये मेरी जनता है, मैं यहाँ महारानी बन के रही हूँ। पर आज मैं इन सबके बीच में क्या महसूस कर रही हूँ, अकेलापन महसूस कर रही हूँ। बेगू पटवारी, मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, ये सब लोग वहाँ आ गए हैं शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा था, धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी रबनु यही मंजूर सी। उनको ये लग रहा है बेगू पटवारी और मस्जिद ये भी दोनों मुसलमान हैं, उनको पता है क्या लगा कि शायद शाहनी क्या सोच रही है, तो वो शाहनी को थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं। बोले कि शाहनी दुख मत करो, भगवान को यही मंजूर था कि तुम्हें इस उम्र में अपना गाँव अपनी हवेली अपना सारा अधिकार अपनी जमीनें सब छोड़कर जाना पड़ेगा, भगवान को यही मंजूर था। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे, काश मैं भी पहले ही मर गई होती, ये दिन देखा मुझे भी नहीं देखना पड़ता। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या कर सकता है, सिक्का बदल गया है। बेगू को देखकर अच्छा नहीं लगा, शाहनी को एकदम चक्कर आ गया है, दुखी हो गई है और बेगू को बहुत बुरा लग रहा है, शाहनी क्या सोच रही है। देखिए वो क्या करे, क्या करे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सिक्का बदल गया है, राज्य बदल गया है, अब ये देश मुसलमानों का हो गया है, अब यहाँ मुसलमान ही रह सकते हैं, यदि कोई यहाँ हिंदू रहेगा भी तो वो उसको रहने नहीं देंगे। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि शाहनी तो उस जगह की क्या है, जमींदार नहीं है एक तरीके से, गाँव गाँव का खड़
पूरा का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले सब मशवरे यहाँ होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। शानी देख रही है, सारा एरिया मेरा था, यहाँ ये निर्माण भी मैंने ही करवाया था, दूर दूर तक जो लोग खड़े हैं ये सब मेरी रैयत थी, सब मेरी जनता थी, ये कभी भी मेरे बिना कोई फैसला नहीं लेते थे, इनके बारे में सारे फैसले मैं लिया करती थी। और बताइए आज मेरा ही अधिकार खत्म हो गया, आज मेरे विरुद्ध फैसले भी यही लिए जा रहे हैं। जो ये फैसला लिया होगा कि शानी को हवेली से निकालो या शानी को मार दो, ये फैसला भी तो यही लिया होगा, जहाँ कभी फैसले मेरे चलते थे अब दूसरे लोग मेरे बारे में फैसले ले रहे हैं। ये नहीं कि शानी कुछ ना जानती हो, मैं जानकर भी अनजान बनी रही। शानी को सब मालूम था कि भारत का विभाजन हो चुका है और धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है और मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे और यहाँ से हिंदुओं को निकाल दिया जाए, वो सब जान रही है क्योंकि उसके पास रोज खबरें आती हैं कि किस तरीके से दंगे हो रहे हैं। पर वो जानकर भी अनजान बनी रही, उसने कभी बैर नहीं जाना, उसने कभी मुसलमानों से कोई बैर नहीं किया। ये घटना कोई एक दिन की तो है नहीं बेटा, ये तो आप ये सोच लो कि 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग हुई थी और उसके बाद से धीरे 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 ये बात फैलती चली गई। और जब आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि 1946 में सीधी कार्रवाई के तहत बहुत सारे दंगे फैल गए थे और जब चारों तरफ दंगे फैल गए तो फिर भारत सरकार के मतलब जो अंग्रेज सरकार थी उसने ये प्रस्ताव रखा अपने कैबिनेट मिशन और भारत की जून योजना के बारे में सुना होगा। माउंटबेटन यहाँ पर आया और माउंटबेटन ने ये योजना रखी कि आप भारत में हिंदू मुसलमान दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम भारत को आज़ाद तो कर देंगे लेकिन भारत के दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा होगा जिसे हम पाकिस्तान कहेंगे जिसमें मुसलमान जो मुसलमान बहुल प्रदेश हैं वो हो जाएंगे और एक टुकड़ा होगा भारत जो हिंदू बहुल प्रदेश हैं वो भारत में रहेंगे। तो वो ये एक दिन की बात तो नहीं थी, ये तो 5-7 सालों से चलती चली आ रही थी और काफ़ी दिनों से दंगे भी हो गए थे लेकिन फिर भी मन में एक आशा थी कि शायद ये दंगे खत्म हो जाएंगे, शायद लोगों को अकल आ जाएगी, शायद भारत एक ही रह जाएगा क्योंकि महात्मा गांधी ने कह दिया था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। लेकिन और जो लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि शानी को सारी बात नहीं मालूम थी, उसको मालूम थी पर इतने दिनों से भी उसने कभी भी किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं की थी, किसी का बुरा भी नहीं किया था। लेकिन बूढ़ी शानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है, वो ये तो जानती थी कि परिस्थिति मतलब विभाजन होने वाला है पर यह नहीं जानती थी सिक्का बदल गया है, ऐसा राज बदल गया कि ये लोग बदल जाएंगे। सिक्का बदल गया मतलब ये मेरे ही तो लोग हैं, ये लोग बदल जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि मैं तो इनके साथ शुरू से रही हूँ, इनके पालन में पोषण में शादी में ब्याह में हर चीज़ में तो मैंने इनका साथ दिया है पर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लोग बदल जाएंगे। देखो सिक्के के कितने अर्थ निकल रहे हैं, जगह जगह सिक्के के अर्थ निकल रहे हैं, यहाँ सिक्का का अर्थ क्या निकला है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको औलादों की तरह पाला है और ये मेरी औलाद है, ये मेरे बच्चे ऐसे बदल जाएंगे ये मैं नहीं जानती थी। हाँ सिक्का बदल गया का मतलब है मेरे बच्चे बदल गए। देखो कई बार कहा जाता है जो बेटा खराब होता तो कहता है अरे खोटा है तो क्या है, खोटा सिक्का भी काम आता है कहते हैं ना, तो यहाँ सिक्के का मतलब बच्चे, ये मेरे बच्चे थे, ये मेरी जनता थी, ये भी बदल गए। देर हो रही थी, दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया। अब ये दाऊद खां जो यहाँ का थानेदार है उसको लग रहा है शाहनी जाना नहीं चाह रही है, थोड़ा अकड़ कर आगे आया और ड्योरी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। देखो सबके मन में यह चीज है ये हिंदू है निकाल दो, लेकिन जैसे शानी के सामने आते हैं सब ठिठक जाते हैं, क्यों कि शानी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, वो उनकी मालकिन रही है, लेकिन कभी भी उन्होंने उसके इन लोगों के ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं किया, इनका शोषण नहीं किया, इनके साथ हमेशा दया का और मित्रता वाला ही भाव रखा है। तो उसको देखकर सबको वो वाली बातें याद आ जाती तो ठिठक जाते हैं। तो हमने देखा शेरा भी कभी ऐसे ही हुआ था, अब दाऊद खां भी उस छाया को देखकर ठिठक गया। छाया किसकी है, शाहानी की। वह शाहानी थी जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। अब दाऊद खां को भी बात याद आ रही है कि यार मैंने इनके समय में कितने ऐश किए हैं, कितना सुख दिया इन्होंने, यह तो वही शाहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने की कर्णफूल दिए थे। उसे याद आता है कि जब मैं शादी करके अपनी बीवी को यहाँ लाया था तो इसी शाहानी ने उसको मुंह दिखाने क्या दिए थे, कानों के कुंडल दिए थे। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था
तो उसने उदंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया उसके सामने रख दिया, जरा भी मना नहीं किया, जो कि मैंने उदंडता की थी, लेकिन शाहनी ने मेरा विरोध नहीं किया था। उसे याद आया कि शाहनी तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की लेडी है। शाहनी दाऊद खान ने आवाज़ दी, ये थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता, ठीक है, आंखों में उतर आता, मतलब उसको क्रोध आ जाता। शाहनी गुमसुम कुछ ना बोल पाई। शाहनी ड्योढ़ी के निकट आकर बोला, देर हो रही है शाहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तो तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो इस जमीन में बिछा हुआ है। अब देखिए विभाजन हो चुका है, शाहनी को अपनी हवेली छोड़नी पड़ रही है, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा रही, और ये लोग उसका सोना चांदी लूटना चाहते हैं, और उसको सोना चांदी से कोई मोह ही नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रही है, मेरा सोना तो ये जमीन है, मैं जमीन थोड़ी उठा के ले जाऊंगी, मेरा सोना चांदी तो तुम बच्चे हो, अब तुम ही बदल गए, तो मैं इस सोना चांदी का ले जाकर क्या करूंगी। तो जबकि वो कह रहे हैं कि अच्छा देखो, वैसे तो वो लूटने की सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि शाहनी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया है इन लोगों के साथ, तो वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत साथ में ले जाओ, काम आएगा। दाऊद खान लज्जित सा हो गया, क्योंकि दाऊद खान क्या कह रहा है, अकड़ के बोल रहा है, अब वो लज्जित सा हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है भारत का विभाजन हो रहा है, वहां जाकर उनके पास घर थोड़ी है, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ रहेगी, थोड़ा पैसा होगा तो पैसे के लोभ में कोई इसकी सहायता कर देगा, देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी। वक्त शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी, दाऊद खां इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी। जैसे ही इतना दाऊद खां ने वक्त की बात करी, तो शाहनी को अपनी बातें याद आ गई, अरे वक्त तो मैंने बहुत देखा है, अब जैसा ये वक्त आया है ऐसा खराब वक्त तो मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आया, और इससे भी खराब वक्त आएगा तो क्या उसे देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी, अर्थात मैं उसके पहले ही मर जाऊंगी। किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहनी कुछ नकदी जरूरी है, घर छोड़ के जा रही हो, वहाँ कोई तुम्हारे नाते रिश्तेदार नहीं है, थोड़ा सा पैसा रख लो। देखो ये इतना अच्छा भाव क्यों आ रहा है, क्योंकि शाहनी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है, और लेखिका यहाँ ये भी बता रही है कि दुनिया में सब बुरे नहीं थे, ये जो विभाजन हुआ था ना इसमें सब व्यक्ति बुरे नहीं थे, सब कोई विभाजन नहीं चाहते थे, ये तो कुछ राजनीतिक, कुछ गुंडा तत्वों और अंग्रेजों की चाल का प्रभाव था, आम आदमी बुरे नहीं थे। तभी तो देखो मुसलमान होके भी बार बार शाहनी, देखो शेर ने शाहनी की रक्षा की कि नहीं की, और अब देखो दाऊद खां भी कह रहा है नहीं तुम कुछ पैसा ले जाओ, मतलब उनमें संवेदनाएं बाकी है, इंसानों में संवेदनाएं अभी भी बाकी है, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। तो वो कह रहे हैं नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, शाहनी का गला रुंध गया, नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी, ये घर जब यहीं रहेगा तो मैं यहाँ से कोई सिक्का या कोई रुपया भी लेकर नहीं जाऊँगी, जो भी नगद पैसा वही है, मैंने यहीं से कमाया है, मैं यहीं रहूँगी। मतलब इससे मालूम पड़ रहा है कि शाहनी सारे लोभ लालच से कितनी दूर थी, वास्तव में वो दूसरों की सहानुभूति और मानवीयता से की भावना से भरी हुई थी। शेरा पास आ खड़ा हुआ, दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा, तो शक हुआ, होना हो कुछ मार रहा हो शाहनी से, देखो कितना संदेह का माहौल बना हुआ है, दाऊद खां यहाँ शाहनी से अच्छी तरीके से बातें कर रहा है कि शाहनी तुम कुछ पैसे लेके जाओ, पर शेरा को शक हो गया, यार दाऊद खां बड़ी देर से बात कर रहा है शाहनी से, कुछ हिसाब किताब कर रहा होगा, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, मतलब शक, मतलब यहाँ पे ये बताया कि उस विभाजन के समय में कैसे एक आदमी दूसरे आदमी पे शक कर रहा था, किसी को किसी का कोई विश्वास ही नहीं रहा था, लोग लूटने में लग रहे थे, एक दूसरे को मारने में लग रहे थे, और एक दूसरे पे शक कर रहे थे, जो बिल्कुल भाई भाई की तरह रह रहे थे। तो देखो यहाँ हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं है, मुसलमान मुसलमान पे शक कर रहा है, शेरा मुसलमान है, दाऊद खां मुसलमान है, दोनों को ही पाकिस्तान में रहना है, और दोनों ही शेरा इस पे शक कर रहा है। तो शेरा पास आ खड़ा हुआ, दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा, तो शक हुआ कि हो ना हो कुछ मार रहा हो शाहनी से, खां साहब देर हो रही है, उसने बीच में आके अड़ंगा लगा दिया कि कहीं कोई यदि कुछ सलाह मशवरा कर रहा हो, तो कह रहा है दाऊद खां जी देर हो रही है, ट्रक आ गई है, फटाफट बैठाओ शाहनी को रवाना करो। शाहनी चौंक पड़ी, देर मेरे घर में मुझे देर, ये तो मेरा घर है, मतलब मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से, मेरा घर है,
यहाँ को कोई कौन होता है कोई कहने वाला कि मैं देर हो रही है, लेकिन आज समय बदल गया है। आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। एकदम उसके मन में विद्रोह है कि मैं विरोध करूं कि ये मेरा घर है, क्या देर हो रही है, नहीं निकलती इस घर से। एकदम उसके मन में इस तरीके की छोटी सी विद्रोह की भावना है, मैं पुरखों के इस घर बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं, ये सब कुछ नहीं ठीक है, देर हो रही है। पहले तो उसके मन में आया कि मैं इस घर की महारानी हूँ और तुम सब भी मेरे ऊपर ही तो पले हो, मैंने तुमको पाला है, मैंने रोजी रोटी दी है तुमको। लेकिन फिर उसने अपने मन के विद्रोह को दबा लिया, बोले नहीं ठीक है देर हो रही है, क्योंकि मुझे ये देश छोड़कर जाना है, हवेली छोड़नी पड़ेगी। शाहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा था, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। अब शाहनी ने एक दृढ़ निश्चय किया, रोऊंगी नहीं, दुखी हो नहीं होकर जाऊंगी, निकलना तो है ही, शान से निकलूंगी, शान से इस घर की दुल्हन बनकर आई थी और आज जाऊंगी भी तो शान से जाऊंगी, कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी और बड़े रो के नहीं जाऊंगी, शान से और आदर और सम्मान के साथ हिम्मत के साथ जाऊंगी। मान से लांगेगी ये देहरी जिस पर एक दिन बहु रानी बनकर आ खड़ी हुई थी, बहु रानी बनकर आई थी, तो इस देहरी को अब जब मुझे पार करके जाना है तो अभी मैं शान और मान सम्मान के साथ जाऊंगी, गिड़गिड़ा के नहीं जाऊंगी, किसी से कोई भीख मांगती हुई नहीं जाऊंगी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पहुंची और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी, उनकी दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है, किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले, वक्त बदले और आगे डॉट डॉट सिक्का बदले। डॉट डॉट का मतलब क्या है? राज बदले। तो जब शाहनी ने अपने आंसू पोंछ दिए कि नहीं मैं रोती हुई हवेली से बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन जब वो हवेली से बाहर निकली तो और आसपास की जो बूढ़ी बड़ी बड़ी औरतें थीं जिन्होंने शाहनी को बहुत करीब से देखा था और जो शाहनी के गुणों को पहचानती थी वो एकदम रो पड़ी। मतलब यहाँ हमें मालूम पड़ रहा है कि इंसानों में मानवीयता तो है यार, और ये जो विभाजन हुआ है ना वो हम इंसानों की इच्छा से तो नहीं हुआ। और आप हिस्ट्री कभी पढ़िए आपको समझ में आएगा इस विभाजन का दोषी कौन है, वो परिस्थितियाँ और वो अंग्रेज सरकार के दुष्चक्र और कुछ राजनेताओं के लोभ है ना। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढाप कर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। मुंह तो होता ही है ना भाई, जिस हवेली में वो रही है 50 साल, तो उसने हवेली को देखा, उसने दोनों हाथ जोड़ दिए, यही अंतिम दर्शन था। उसने हवेली को दोनों हाथ जोड़ दिए, इसके बाद अब मैं जमीन को नहीं देख पाऊंगी, ये जमीन मेरी कर्म भूमि रही है, पूरे 50 साल मैंने इसमें गुजारे हैं। शाहनी ने जोर मारा, देखो उसके जोर मारा मतलब उसके मन में एक भावना आई, मोह की भावना, अगर है तो इंसान ही ना, एक मोह की भावना आई। क्या मोह की भावना आई? एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखाऊँ, एक बार पूरा घर देखाऊँ, फिर ये घर मुझे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और बेटा यहाँ तुम सोचो वाकई हमको अपने घर से इतना ही प्यार होता, कभी कल्पना करके देखो कि अपन को अपने घर से कोई निकाल दे, चाहे झोपड़ी क्यों ना हो, यदि हमको हमारे घर से कोई निकाल देता है तो आप देखते हो कितना दुख होता है। तो शाहनी को लग रहा है कि एक बार घर को देखाऊं, जी छोटा हो रहा है, जी छोटा हो रहा मतलब दुखी हो रही है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी ना होगी। आज वो अपनी कमजोरी इन गांव वालों को नहीं दिखाएगी, वो तो इन गांव वालों के सामने हमेशा महारानी बन के रही है, और आज मैं उनके सामने कमजोरी दिखा दूं कि मुझे मोह हो रहा है, मैं इस घर के प्रति इतनी आसक्त हूँ कि दोबारा इस घर को देखने जा रही हूँ, मैं अपना मतलब स्वाभिमानी है शाहनी, कैसी है स्वाभिमानी है, वो अपने स्वाभिमान को खोना नहीं है, चाहती है, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुलवध की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी, मतलब उसकी आंखों में से कुछ बूंदें गिर गई। शाहनी चल दी, ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया, जो हवेली थी वो सब पीछे, उसकी सारी शान चौकत सारी संपत्ति पीछे रह गई। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब उसके पीछे पीछे आ रहे थे। एक बात देखिए आप, कहाँ हम भारत विभाजन की बात कर रहे हैं, कहाँ हमारे सामने गदर मूवी के वो सीन जिंदा हो जाते हैं कि लोगों ने कैसे एक दूसरे को मारा था, और कहाँ वही मुसलमान शाहनी को विदा करने आ रहे हैं। मतलब संवेदनाएँ तो हैं, मतलब शाहनी ने कुछ ऐसे अच्छे काम तो किए थे कि इन लोगों के दिलों में घर बना लिया था। मुसलमान होके भी ये शाहनी को कितना मान सम्मान दे रहे हैं, ये तो मजबूरी थी कि राज्य पलट गया है, इसलिए वो शाहनी को जाने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो शायद वो शाहनी को यहाँ जाने के लिए कभी नहीं कहते। ट्रकें अब तक भर चुकी थी क्योंकि गांव में और भी तो हिंदू थे,
वो सब अपना सामान ले लेके सब जने उस जगह को छोड़ रहे थे। शाहनी अपने को खींच रही थी मतलब जबरदस्ती आगे की तरफ लेके जा रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे खूनी शेर का दिल टूट रहा है, खूनी शेर क्योंकि उसने 40-50 कत्ल कर दिए हैं, उसका भी दिल टूट रहा है जब शाहनी जा रही है। उसको नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वही शाहनी है जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला, शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुँह से निकली अच्छी छूट नहीं हो सकती क्योंकि तुमने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया है और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर फला और फूला है। तो एक इस्माइल मुसलमान, वो भी मुसलमान नाम से मालूम पड़ रहा, कह रहा शाहनी जाते जाते कुछ तो कह जाओ, विदा हो रही हो, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा तुमने हमको आशीर्वाद दिया है, आज फिर कुछ आशीर्वाद दे जाओ, कुछ आशीष दे जाओ। मतलब ये आशा है कि ये बद्दुआ नहीं देगी अभी भी, इतना सब कुछ छूट गया है इसका, घर से बेघर हो गई है बुढ़ापे में, लेकिन अभी भी ये हमको बद्दुआ नहीं देगी। क्या कह रहा है, कुछ कुछ कह जाओ क्योंकि तो तुम्हारी आशीष है वो कभी झूठ नहीं होती है। और अपने साफे से उसने भी आंखों में से अपना आंसू पोंछ लिया। देखिए क्या सीन रहा होगा, इधर शाहनी अपने घर को छोड़ के जा रही है, उसका दिल भी बैठा जा रहा है, उसकी आंखों में भी भर भर के आंसू आ रहे हैं, इधर गांव वाले भी उसको विदा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, नम आंखों से विदा दे रहे हैं, आंसू भरी आंखों से विदा दे रहे हैं। मजबूरी है, कोई नहीं चाहता, ना शाहनी जाना चाहती है ना गांव वाले उसको भेजना चाहते हैं, पर मजबूरी है। क्यों, क्योंकि सिक्का बदल गया है, क्योंकि राज्य बदल गया है, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया है, ये पाकिस्तान बन गया है, उधर भारत बन गया है, पाकिस्तान में मुसलमान हिंदू नहीं रह सकते, ऐसा उस समय हो रहा था, मारपीट हो रही थी, भाई अपने अपने देश जाओ। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उड़ती हुई हिचकी को रोककर रोंदे रोंदे गले से कहा, रब्बू तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। देखिए सब कुछ छूट गया है, चाहती तो वो दोष दे सकती थी कि गांव वालों ने मेरी रक्षा नहीं करी, मुझे निकाल दिया, लेकिन फिर वो भी परिस्थितियों को समझ रही है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, मजबूर है, ऐलान तो ऊपर से हो रहा है, सारे जो आदेश आ रहे हैं वो तो ऊपर राजनेताओं से आ रहे हैं, सरकार से आ रहे हैं, ये बेचारे क्या करें। तो उसने आशीर्वाद दिया, रब तुहानू सलामत रखे, भगवान तुम्हें सही सुरक्षित रखे और तुम्हें खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया, जो गांव का जनसमूह था वो रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, लेकिन शाहनी के मन में उन गांव वालों के प्रति कोई भी दुख नहीं है, कोई बद्दुआ नहीं है, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छू लिए। गाँव वालों को पश्चाताप है कि जिस शाहनी ने हमारा जीवन पाला, जिस शाहनी ने हमारे दुख सुख में हमारा साथ दिया, हम उस शाहनी को नहीं रख पाए, जबकि वो हमसे क्या मांग रही थी, उसके पास तो बहुत कुछ था, जो था वो हमें दे जाती वो तो, लेकिन हम उसको रख नहीं पाए। शेरे के मन में भी पश्चाताप आया और वो आगे चढ़कर क्या कहता है, शाहनी के पैर छू लेता है। वो शेरा जो गंडा सा लेके शाहनी को मारने के लिए तैयार हो गया था फिरोज के कहने पर, शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। पश्चाताप कर रहा है कि शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका, मैं भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि राज पलट गया है। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सर पर रखा, आशीर्वाद दिया, रुक रुक कर कहा, तेनु भाग जगन चन्ना। क्या कह रही है अभी भी शेरे को, कि तू मेरा चंदा जैसा बेटा है, तेरी किस्मत जगे, तेरे भाग जगे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया, कुछ बड़ी बुढ़िया शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़े, अन्न जल उठ गया। शाहनी सोच रही है, और हम भारतीयों की बहुत खास बात है, हम सब जो भी हमारे जीवन में होता है उस सबको हम अपने कर्मों से जोड़ देते हैं। कितना बुरा सा बुरा समय आ जाए, हम क्या कहते हैं, मेरी किस्मत में यही था, और किस्मत के लिए भी हम किसी और को दोष नहीं देते, क्या कहते हैं, शायद हमने कभी ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल हम भोग रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की जबरदस्त प्राण शक्ति है। वो कह रही है, अन्न जल उठ गया, वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में, सबकी याद आ रही है उसको अपने हवेली कैसी थी। कुछ पता नहीं, ट्रक चल रहा है, वह स्वयं चल रही है, आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बड़ी शाहनी को, देखो किसकी, कौन सी शाहनी को, बड़ी शाहनी को, यहाँ शाहनी को क्या कहा है, बड़ी उम्र में बड़ी नहीं, भाव विचार और कायदों में बड़ी है। घर छोड़ दिया लेकिन उसके मुंह से कोई बद्दुआ नहीं निकली, उसके आंखों में से कोई बिलबिलाहट या गिड़गड़ाहट नहीं हुई, कोई आंसू नहीं बहे,
इतने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ अपने घर को छोड़ दिया। इस बड़ी शाहनी को कहाँ जाएगी अब वह, अब दांत खाँक लग रहा है, कहाँ जाएगी, इसका तो कोई बचा ही नहीं, कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है। हमने सुना था कल ही जबलपुर में आग लगी थी, मतलब दंगा हुआ था, सारे नाते रिश्तेदार मर गए, तो उसको भी बहुत पछतावा हो रहा है कि कहाँ जाएगी, तरस आ रहा है पर मजबूर है। तो वो शाहनी को वहाँ रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि कुछ लोग हैं जो रहने देना नहीं चाहते। शाहनी मन में मैल ना नाला, कुछ कर सकते तो उठाना रखते वक्त ही ऐसा है। शाहनी तो हमारे प्रति अपने मन में कोई मैल, मतलब कोई दुर्भावना मत लाना। हम सही बताएं, हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। यदि हम कर सकते थे ना तो कोई कसर उठा कर नहीं रखते, तुझे सुरक्षित रखते इस गांव में, महारानी बनाकर ही रखते, पर हम मजबूर हैं। बेटा, इस कहानी में उस समय की विवशता बताई है कि व्यक्ति कितना विवश हो गया था, उस समय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ कर सकते, राज पलट गया है। क्या करें, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है, राज पलट गया है, अधिकार बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, फिर क्या हुआ था बेटा, इस तरह जब विभाजन हुआ था ना, तो वहाँ के हिंदू यहाँ लाए गए, यहाँ के मुसलमान वहाँ गए, और जगह जगह सरकारों ने क्या कर दिया, कैंप लगा दिए थे। उन कैंपों में रहते थे बेचारे, क्योंकि उनके पास कोई घर वर तो था नहीं, तो सरकार की तरफ से कैंप लगा दिए जाते थे और उन कैंपों में वो रहते थे। तो ये शाहनी भी हवेली छोड़कर कहाँ आ गई, कैंप में। वहाँ जैसे बढ़िया शानदार उसकी पलंग, सब कुछ उसका सामान, यहाँ कहाँ पड़ी है वो, जमीन पर पड़ी है। आहत मन से, दुखी मन से सोच रही है, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, राज पलट गया है मतलब भारत और पाकिस्तान दो राज बन गए हैं, पहले ये भारत था, अब ये क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। सिक्का क्या बदलेगा, कौन सा सिक्का बदलेगा, उसे तो मैं वहीं छोड़कर आ गई, यहाँ सिक्का का मतलब है करेंसी, क्या करेंसी क्या बदलेगी, मैं तो सारी कुछ करेंसी अपने साथ लेके आई नहीं, मैं तो रुपया पैसा अपने पास लेके आई नहीं, वह तो मैं वहीं छोड़ आई हूँ। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई, मतलब बहुत दुख हुआ उसको। आस पार के हरे भरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। क्यों गीली हो गई उसकी आंखें, क्योंकि वो सुन रही थी लोगों की जुबानों से क्या हो रहा था। हरे भरे खेत थे लेकिन खून बरसा रहे थे, मतलब दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमानों को, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। शायद राज भी पलटा खा रहा था, शाहनी को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब राज्य भी पलट गया है, सरकारें भी बदल गई हैं, और सिक्का बदल रहा था, अर्थात वो अधिकार बदल गया था, एक राज्य दूसरे राज्य में बदल गया था। ठीक है, तो आपको अब कहानी